नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका रैट इन्फोविज में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊँ या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12122। यह ट्रेन 14 घंटे 20 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो यह कवर करती है वो 904 किलोमीटर है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर और इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन चलती है, सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड टायर, एसी थर्ड टायर, स्लीपर क्लास, अनरिजर्व जनरल डिब्बे अवेलेबल हैं। एसी फर्स्ट क्लास का किराया है 2990 रुपये, एसी सेकंड टायर का किराया है 1760 रुपये, एसी थर्ड टायर का किराया है 1230 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 465 रुपये, अनरिजर्व जनरल डिब्बे का किराया है 250 रुपये। यह अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कंफर्म कर लें। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों की। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से हर सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को शाम के 5:25 पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। इसका अगला स्टेशन आता है ग्वालियर जंक्शन, जहां पर ये रात के 9:50 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है झांसी जंक्शन, जहां पर ये रात के 11:15 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है सागर, जहाँ पर ये रात के 2:30 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद ये अपने अगले स्टेशन दामोह पर पहुंचती है रात के 3:40 पर और यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है दोस्तों कटनी मुड़वारा, जहाँ पर ये सुबह के 6 बजे पहुँचती है और यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन जबलपुर जंक्शन पर पहुँचती है शाम के 7:45 पर और यहाँ पर ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।